हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है, नाम तो आप जानते हैं क्या है, हाउस एक्सप्लोरर्स। हमारा काम भी आप जानते हैं क्या है, एक्सप्लोर करना आपके लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टीज, ताकि आपकी सर्चिंग और परचेजिंग ईजी हो जाए। आमतौर पर दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट होती है कुछ ऐसी प्रॉपर्टी दिखाइए जो बजट में हो, पार्क फेसिंग हो, गेटेड लेन के अंदर आ रहा हो, तो और बजट में भी आ रहा हो, तो बिल्कुल ये प्रॉपर्टी आपको अच्छी लगेगी। मैं आज आपको 3 BHK आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर दिखाऊंगा जो कि पार्क फेसिंग होने वाला है। ये जो आपको देखिए सामने पूरा एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा पार्क है अपना। यहाँ पर आप अपना जो है मॉर्निंग इवनिंग में आप अपना यहाँ पर वॉक कर सकते हैं, पेरेंट्स हैं तो यहाँ जा सकते हैं, बच्चे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर खेल भी सकते हैं। तो बिग साइज़ पार्क आ जाता है सामने ही। ये प्रॉपर्टी होने वाली है आपकी रेनोवेटेड। अगर साइज़ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 90 स्क्वायर मीटर साइज़ का इंडिपेंडेंट फ्लोर आ जाता है, रेनोवेटेड प्रॉपर्टी होने वाली है। स्टार्टिंग में ही प्राइस की बात कर लें तो दोस्तों इसकी आस्किंग आ जाती है 85 लाख, जो कि नेगोशिएबल है। अभी हम इसके बालकनी में, बालकनी से हम ये इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए बालकनी का कुछ आपको ये साइज़ मिल जाएगा। ये सारा अभी काम चल रहा है इसमें, ये नवरात्रों से पहले पूरा काम फिनिश अप पर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको ये स्लैब टाइप पूरा दिया हुआ है, तो ये बालकनी हो जाती है आपकी। बाहर का ये पूरा आपको एरिया मिल जाता है। नीचे लेन की बात करें तो आपको देखिए बिग साइज लेन आ जाता है, तो गाड़ियाँ जो हैं आपकी आराम से बाहर की तरफ पार्क हो जाती हैं। 3 फ्लोर आते हैं दोस्तों इसमें। आपका ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड जो प्रॉपर्टी सेल पर है, ये आपकी फर्स्ट फ्लोर की प्रॉपर्टी रहेगी। अंदर चलते हैं, इसका वॉक थ्रू स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ से, हम आपको पहले बेडरूम चेकआउट करा देते हैं जो कि आपके फ्रंट की तरफ आने वाला है। ये आपका फ्रंट का बेडरूम हो जाता है। साइज़ की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 13 बाय आपका तकरीबन 10 का एक साइज़ आएगा, अच्छा साइज़ आ रहा है। यहाँ आपके लिए दोस्तों ये देख सकते हैं, यहाँ डेडिकेटेड सेक्शन बना के दिए गए हैं। और ये हो जाता है आपका बैक ऑफ द बेड का वॉल। अभी अभी क्राफ्ट वर्क इस पर चल रहा है, देख सकते हैं सारा काम इसमें हो रहा है। बेड आप कुछ इस तरीके से प्लेस करिएगा, आपका बेड आराम से आ जाएगा। नीचे अगर हम बात करें दोस्तों फ्लोरिंग पर, तो सब आपको इसमें विट्रीफाइड टाइल्स है। देखिए सामान बिखरा हुआ है क्योंकि ये इस पर रेनोवेशन का काम फुल स्विंग पर है। कोशिश है कि नवरात्रों से पहले इस काम को पूरा ख़त्म कर दें ताकि ये सेल पर चला जाए। तो काम अच्छा आ रहा है इसमें, अच्छा होगा, साइज़ भी अच्छा आ रहा है। सीलिंग पर बात करें दोस्तों, अभी देखिए इसका फॉल सीलिंग काम होना रहता है, लेकिन आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा किस लेवल का काम आएगा, अच्छा ही काम इसमें देखने को मिलेगा आपको। तो ये हो गया दोस्तों हमारा पहला बेडरूम। यहाँ से अब हम निकल के आते हैं तो ये हो जाता है हमारा लिविंग एरिया, और लेफ्ट साइड में दोस्तों ये हमारा एंट्री डोर हो जाता है। अगर हम डोर की बात करें तो भी देखिए आपको डबल गेट देखने को मिलता है, ये आयरन गेट आ जाएगा और ये हमारा वुडन डोर आ जाता है। ये हमारा लिविंग एरिया निकल के आएगा। लिविंग एरिया में भी दोस्तों क्राफ्ट वर्क बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ जो दोस्तों आपको ये वायर दिख रहा है ना, ये वायर और एक इधर, तो यहाँ पे लैंप लगेंगे। और ये जो वॉल है इस पर पूरा का पूरा इस पर आपका मिरर वर्क आएगा, बिल्कुल यहाँ पे आपको मिरर वर्क देखने को मिलेगा। और ये जो वॉल है यहाँ पर भी आपका एक लैंप आएगा, और इस पर भी आपको पूरा ये मिरर वर्क ही देखने को मिलेगा। ये जो सेक्शन है ना, इन सब के अंदर आपका मिरर वर्क देखने को मिलेगा। तो अच्छे से इसे फर्निश करके देंगे, होपफुली ये बिके नहीं और ये रहे, तो बिल्कुल हम इसका जब ये पूरा रेडी हो जाता है तब एक वीडियो और लेके आएंगे। लेकिन मैं आपको फिर भी इसका एक आइडिया दे रहा हूँ, उसमें ये वाला काम होने वाला है। फॉल सीलिंग पर भी आपको अच्छा काम देखने को मिलेगा, यहाँ पर पूरा आपका स्ट्रिप लाइट का वर्क आएगा, सारी चीज़ें होंगी इसमें, अच्छा दिखेगा। नीचे इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, अगर आप देखें तो बिग साइज सोफा सेट आप प्लेस कर सकते हैं विद अ सेंटर टेबल। कहीं ना कहीं 7 to 9 आपका सीटर अगर सोफा है तो भी प्लेस हो जाएगा, अच्छा साइज़ है इसके लिविंग रूम का। और क्या रहता है दोस्तों, अगर हम यहाँ देखेंगे सामने ही हमें यहाँ पे किचन देखने को मिल जाता है। ये हो जाता है हमारा किचन एरिया। किचन अगर आप देखें तो देखिए किचन आपका एल शेप स्लैब के साथ में आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वुड पर आपको अच्छा काम देखने को मिल जाएगा। सारा का सारा जो ये वुड जो आपका है दोस्तों, वुड आपका SGMR वुड रहेगा, प्लेटफॉर्म आपका SGMR प्लेटफॉर्म है, अच्छा साइज आ रहा है। कहीं ना कहीं साइज इसका ऐसा है कि 3 लोग इस किचन को आप आराम से यूज कर लेंगे, न्यूली मेड है। मैक्सिमम चीज़ें दोस्तों इसमें तकरीबन 90% चीज़ें इसमें सब चेंज की गई हैं। अगर हम टाइल्स की बात करते हैं, अगर आप किचन में जितना भी वुड वर्क है उसकी बात करते हैं, डोर्स की बात करते हैं, और सीलिंग पर सारा नया काम देखने को मिलेगा। जो उसमें लाइट वर्क है सारा न्यू है, जो उसमें जैसे और जो उसको इंटीरियर को जो सजाया जा रहा है वो तो न्यूली वे में ही सजाया जा रहा है। तो ये हो गया किचन। अगर किचन में अगर हम बकेट्स की बात करें तो देखिए सर क्लोजर चेक कर लेते हैं। उससे पहले देखिए इसमें तो डेडिकेटेड सेक्शन ही दिए गए हैं, कुछ कटलरीज हैं आपकी, नाइफ है, स्पून है, तो आप आराम से यहाँ प्लेस करें। क्लोजर देखें तो ये देखिए यहाँ तो कुछ सामान भी रखा गया है। बकेट्स भी अगर आप जितनी देखेंगे तो सबके सब आपके SGMR वुड पे ही बना हो, देखिए सब सामान यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो अंदर का ये सारा का सारा दोस्तों ये भी है ना, ये सब भी आपका SGMR वुड ही रहेगा, तो अच्छा साइज का आ रहा है। ये आपका सिंक एरिया हो जाता है, और सिंक की भी अगर मैं खासियत बताऊं दोस्तों तो एंटी नॉइज है ये। जैसे अब इसमें पानी भी होता है तो ज़्यादा ही आवाज़ करता नहीं है, जैसे आपने पुराने सिंक देखे होंगे कि जैसे आप कुछ डिश वॉश कर रहे हैं तो काफ़ी वो नॉइजी हो जाता है, लेकिन ये आपका काफ़ी हद तक साउंड प्रूफ टाइप रहता है ये।
अगर ये तो हो ही गया, देखिए सेक्शन आपको चेकआउट करा ही देता हूँ। ऊपर भी दोस्तों पूरा का पूरा यहाँ पे आपके एलईडी लाइट्स आएंगे, तो ये और बेहतरीन दिखेगा, देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये पीएनजी जो कनेक्शन है आपका वो आ चुका है यहाँ पे, तो बिल्कुल आप जैसे ही आप उसको परचेज करते हैं तो अपने नाम पे से चेंज करा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने चेक कर लिया है हमारा किचन, सेकेंड बेडरूम को चेकआउट कर लेते हैं। आइए, इस बेडरूम का साइज दोस्तों कहीं ना कहीं आपका 13x10 करीब का ही साइज आएगा, जितने भी तीनों बेडरूम है साइज करीब करीब 13x10 13x11 करीब का ही साइज आ रहे हैं। नीचे आपको फ्लोरिंग वही सेम आपको टाइल वर्क देखने को मिलेगा, फॉल सीलिंग पर भी अच्छा काम करके दे रहे हैं, और ये वॉल आपको थोड़ी अभी गंदी दिख रही है लेकिन इस पर भी सारा काम होगा और उसको धुली तरीके से पूरा बिल्ड किया जाएगा, तो ये इसमें काम रहता है। अगर हम देखें दोस्तों ये हमारे वार्डरोब हो जाता है, वार्डरोब यहाँ बनाया गया है, देखिए 3 डोर में है, SGMR क्वालिटी वुड यूज किया गया है, व्हाइट कलर में इसका रखा गया है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सब आपका LED लाइट्स आएंगी। ये आपका दोस्तों ड्रेसिंग एरिया हो जाता है, यहाँ पे भी आपका सारी चीजें लगनी है, मिरर आ जाएगा, अच्छा दिखेगा, नीचे सारे ड्रॉवर्स आ ही रहे हैं, साइज अच्छा है, किंग साइज बेड आप आराम से प्लेस कर पाएंगे। देखिए अब यहाँ से हम उसके वॉशरूम को चेक कर लेते हैं, जिसका कनेक्टेड वॉशरूम रहेगा। देखिए अंदर अभी लाइट नहीं है, होपफुली आपको फिर भी नजर आ रहा हो, साइज इसका डिसेंट है, आपके सारी चीजें यहाँ लगेंगी, प्रीमियम आपके बाथ फिटिंग सैनिटरी फिटिंग्स ही आएंगी इसमें। टाइल्स दोस्तों कहीं ना कहीं आपके क्रीमिश ब्राउन स्टोन में है, सीलिंग पर देखिए अच्छा काम है आपका, एलिगेंट लगता है तो अच्छा दिखेगा, नीचे के फ्लोरिंग भी अच्छे हैं, अगर सारी चीजें लग जाएं तो उसकी खूबसूरती और निखर कर आएगी। यहाँ देखें दोस्तों तो यहाँ पे हमारा बिग साइज विंडो आ जाता है, ये हमारा बैक का आपका जो है बैक यार्ड कह सकते हैं, तो ये हमारा बैक यार्ड हो जाता है, तो यहाँ पर आप इसको जो है अपने स्टोर रूम के तौर पर जगह को यूज कर पाएंगे। बाकी वेंटिलेशन के लिए पूरा प्रॉपर दिया है, इसके ऊपर जाल वर्क है, तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको एरिया भी। लास्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं और बेडरूम को चेकआउट कर लेते हैं, आइए। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा तीसरा बेडरूम और इस 3 BHK इंडिपेंडेंट फ्लोर का लास्ट बेडरूम। टाइल वर्क वही सेम है, ग्लॉसी टाइल्स हैं, चमक बरकरार रहती है इनकी। साइज इसका भी कहीं ना कहीं आपका 13x10 11 का साइज करीब आएगा। ऊपर देखिए फॉल सीलिंग पर काम अच्छा है, फैंस अच्छे लगाए गए हैं। यहाँ पर आपको 4 डोर वार्डरोब देखने को मिलता है इसमें, ये भी सब आपका न्यूली मेड है, क्वालिटी ऑफ वुड अच्छा लगाया गया है। खासियत मैं आपको बताऊं तो देखिए इसमें आपको टर्माइट लगता नहीं, सीपेज भी हो जाती है तो ये वुड फूलता नहीं है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। वॉल आपको गंदी दिख रही होगी इसमें भी, क्योंकि इसमें भी अभी आपका फ्रेश वर्क होना है, इसमें भी आपका कहीं ना कहीं इसको साफ करके इसमें आपका वॉलपेपर लगेगा, अच्छा ही दिखेगा, ये लाइट्स और सारी चीज़ें इसमें लगनी बाकी हैं। यहाँ पर भी दोस्तों आपके पास वार्डरोब है, तो देखिए इस वाले रूम में आपको वार्डरोब की तो कमी नहीं है, देखिए सब सामान है, तो ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखें तो यहाँ पर भी आपको ये वार्डरोब देखने को मिलता है। तो चाहते हैं कि ज़्यादा ही कुछ क्लोथिंग है, चीज़ें हैं, तो आप दोनों तरफ प्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाता है। चलिए मैं आपको बाहर का एरिया दिखाता हूँ, देखिए सब चीज़ बिखरा हुआ है, तो हम सब खुद इस यहाँ से हटाते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें दिखा पाएँ। देखिए यहाँ पे भी आपका मिरर, आपका सारा का सारा आपका मिरर आ जाएगा, यहाँ पे ग्लास आएगा, अच्छा दिखेगा। यहाँ पर अगर आपको कुछ AC लगाना तो ऊपर लगा सकते हैं, स्विच सॉकेट सारे के सारे प्रोवाइड कराए गए हैं। बाहर जाने वाले पे भी देखेंगे डबल डोर दिया गया है इसमें आपको, और ये है दोस्तों आपको जो बैक यार्ड जिसकी हम बात कर रहे थे, ये देख सकते हैं, ये आपको बैक एरिया मिल जाता है। यहाँ पर आपकी सारी फिटिंग्स हैं, अगर यहाँ पर ना आपका सारा टैप लग जाएगा तो आप उसको वॉशिंग एरिया के तौर पर जगह को यूज़ कर सकते हैं, और ये सारा यूजेबल एरिया देखने को मिलता है आपको, ये देखिए यहाँ पर अगर आप चाहते हैं स्टोर रूम बनाना, स्टोर बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा यूजेबल एरिया देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रॉपर्टी जो हम आपके लिए लेके आए शक्तिखंड इंदिरापुरम से, इसकी प्राइसिंग आ जाती है कहीं ना कहीं 85 लाख, जो कि नेगोशिएबल हो जाता है। इस समय क्यों शूट कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रॉपर्टी इतनी प्रीमियम है, लोकेशन प्रीमियम है, जो सामने पार्क आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं, प्राइसिंग इसकी डाउनसाइड है, इससे पहले कि सोल्ड आउट हो जाए और कहीं आप इसे मिस आउट कर दें, तभी हमने इसका वीडियो बना लिया है। होपफुली आप इसको विजिट करेंगे, और बिल्कुल जब तक शायद आप आएंगे तब तक काफ़ी और काम हो चुका होगा। इसी उम्मीद के साथ कि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हों, मिलते हैं आपसे अब किसी और नए वीडियो में, किसी और नए फ्लैट में, तब तक के लिए धन्यवाद।